को इसको पाबंद कर दिया गया है। रात को 12 बजे से स्ट्राइक स्टार्ट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में आज रात 12 बजे से प्राइवेट बसों का संचालन बंद हो जाएगा। दरअसल प्राइवेट बस चालकों ने हड़ताल कर दी और इसी के तहत आज रात 12 बजे से प्राइवेट बसों का चालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसके तहत प्रदेश भर में प्राइवेट बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना, भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ एक मांगे प्राइवेट बस चालकों की और उन्हीं को लेकर उन्होंने इस हड़ताल का ऐलान किया है। फिलहाल अब चूंकि प्राइवेट बसों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, ऐसे में रोडवेज बसों पर काफ़ी ज़्यादा भार बढ़ जाएगा। ऐसे में रोडवेज बसों के लिए जो अधिकारी है उन्होंने किस तरह की क्या व्यवस्थाएं कर रखी, इसी पर बात करेंगे। सिंधी कैंप की चीफ मैनेजर राधिका हमारे साथ है। मैम, प्राइवेट बसों का संचालन अभी कुछ दिन के लिए बंद हो चुका है क्योंकि हड़ताल है, ऐसे में रोडवेज पर भार आएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्थाएं अभी हमारे मुख्यालय से भी जो कार्यकारी निदेशक हमारे यातायात है उनके द्वारा भी सभी डिपोज को पाबंद कर दिया गया है कि जितना भी यात्री भार है, जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनसे उठाया जाए। आज मैंने भी सभी डिपोज से चिट्ठी लिखे यही निवेदन किया है कि जो भी आपकी रात्रि में जो भी आपकी वाहनें यहाँ हैं, अगर यात्री भार दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम वाहनों को भेजते रहेंगे। सिंधी कैंप के मैनेजर हितेश जांगिड़ हमारे साथ है। सर, क्या बसों की संख्या में कुछ वृद्धि है, इस तरह का कुछ किया गया है? देखिए, हमारे बेडम जो बसेस हैं उस बसों से ही हमको काम चलाना है और जो संभवतः स्ट्राइक का है रात को 12 बजे से स्ट्राइक स्टार्ट होगी, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होना दिखना स्टार्ट होगा क्योंकि जो मैक्सिमम जो यात्री है वो कल आज रात को निकल जाएंगे। जो इम्पैक्ट कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा तो मॉर्निंग के लिए हमने बसों को एक्स्ट्रा रोक रखा है और डिपोज को भी हमने बोल रखा है कि एक्स्ट्रा बसेज जो भी हैं आपके पास में जो ऑफ रूट है उनको तैयार कर लीजिए या और जो बसेज जिस रूट पर ट्रैफिक कम है या यात्री भार कम रहता है उस बसेस को यहाँ डाइवर्ट कर दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से जो पैसेंजर उनको सही जगह से पहुँचा सकें। तो आपको बता दें कि प्राइवेट बसों ने इसलिए हड़ताल करी, प्राइवेट बस के चालकों ने, क्योंकि उनकी कुछ एक मांगे है, जैसे कि जो ग्रामीण परिवहन की बसें हैं उन पर टैक्स फ्री किया जाए, इसके साथ ही सभी बसों का परमिट बनवाने को लेकर सरकार से मांग प्राइवेट बस चालकों की ओर से की गई है और इस हड़ताल को, इस स्ट्राइक को मद्देनज़र रखते हुए रोडवेज बसों का जो रोटेशन है वो बढ़ा दिया गया है। कुछ एक रूट जहाँ पर कि ट्रैफिक कम होता है या फिर बसों का चालन कम होता है उन बसों को डाइवर्ट कर ट्रैफिक वाले रूट्स पर लगाने की मांग इधर की गई है। तो फिलहाल व्यवस्थाएं जो है रोडवेज बस परिवहन की वजह तरफ से ये कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी राजस्थान।